पीछे की तरफ से जा रहे हैं अभी, तो पांच की जाना पड़ता। ओके, छोटे छोटे रास्ते। हाँ वो दे सभी तो फाइनली दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डीजे व्लॉग्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था वैलेंट्री पे, और फिर एक नया वैलेंट्री एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जो कि है हैदराबाद के पास महबूब नगर पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और साथ में घुमाते हैं और कुछ उसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अभी आके पता चला कि यहाँ पर ट्रेन सारी कैंसिल हो गई हैं, जो कि लोकल ट्रेन चलती है यहाँ से लिंगमपल्ली के लिए। तो अभी हम यहाँ से रैपिडो ले लेंगे, और रैपिडो लेके अभी यहाँ से हम जाएंगे चंदा नगर, और वहाँ पर ट्रेन के साथ निकलेंगे महबूब नगर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो ऑटो वाले 250-300 रुपये बता रहे हैं यहाँ से मदीनागुड़ा जाने का, बल्कि मदीनागुड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो अभी यहाँ से हम एक रैपिडो ले लेते हैं, या ओला के लिए ओला के थ्रू टैक्सी ले लेते हैं, ऑटो ले लेते हैं, और उससे हम यहाँ से जाते हैं मदीनागुड़ा। तो आप लोग क्या काम करते हैं? हम बलून बेचते हैं। बलून बेचते हैं, तो उसमें कितने आता है? इसमें भी फिटिंग नहीं होगा ना? हाँ, इसमें फिटिंग हो गया अभी, ये निकाला था। हाँ, फिटिंग हो गया। तो दोस्तों अभी हम आए हैं हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ पर कुछ भाई लोग मिले। आ जाओ। तो यहाँ पर अभी आए हैं हम हाईटेक सिटी के पास, और यहाँ पर कुछ भाई लोग मिले हैं, यहीं पर रहते हैं। आपका घर कहाँ पर है? यहीं पर रहते हैं आप लोग? चेन्नई। तो अभी अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी। तो फ्रेंड्स रैपिडो हमारा आ गया है, अब इससे हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं। भाई को बहुत प्रॉब्लम हुआ मेरी वजह से, उनको कहते जगह नहीं मिल पा रही थी, अभी भाई आ गए हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग मदीनागुड़ा के लिए। तो दोस्तों इब्राहिम भाई हैं साथ में, जिन्होंने अभी हमें ड्रॉप किया है। अभी हम पहुँच गए हैं कॉन्क्रीट विवांता पे, और फिर दोस्त के यहाँ जाएंगे, और यहाँ से फिर निकलेंगे थोड़ी देर में महबूब नगर। थैंक यू। तो हैदराबाद आए और इडली नहीं खाई तो कैसे चलेगा? तो अभी इडली और वड़ा खा रहे हैं। दोस्तों आ गए हैं लिफ्ट में, और अभी यहाँ से जा रहे हैं हम नीचे अभी बेसमेंट पे, वहाँ से बैठेंगे कार में और निकलेंगे, कहते हैं महबूब नगर के लिए। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से महबूब नगर के लिए, और हमारा जो सफ़र है ये करीब 2 से 2.25 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से। और मियाँपुर से महबूब नगर जहाँ पर हमें जाना है, उसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से कुछ 110 किलोमीटर्स है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम महबूब नगर। महबूब नगर तक पहुंचने में हमें जो समय लगा वो कुछ लगा 2.5 घंटा, और यहाँ पर एक बैनियन ट्री का स्टैचू बना हुआ है, साथ में बहुत से एनिमल्स हैं। तो ये देख सकते हो आप, लायन भी है, टाइगर भी है, जिराफ भी है, और बहुत कुछ है। तो ये महबूब नगर की एंट्री पे है। यहाँ से 2 किलोमीटर और बचा हुआ है बिग बैन एंट्री, तो चलिए आपको दिखाते हैं और पूरा उसका टूर कराते हैं। तो यहाँ पर है पीछे एंट्री, जहाँ पर हम टिकट ले सकते हैं, और टिकट का रेट है 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 10 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। आइए अंदर चलते हैं और आपको बैन एंट्री भी दिखाते हैं, और बाकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब दिखाते हैं। तो दोस्तों मेन गेट से इंटर करते ही लेफ़्ट साइड में पड़ता है एक चिल्ड्रेंस पार्क, जहाँ कि आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी झूले लगे हुए हैं। तो चलिए आइए आपको अंदर दिखाते हैं यहाँ पर कितने झूले हैं और आपके बच्चे क्या क्या खेल सकते हैं। तो चिल्ड्रंस पार्क से आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक मंदिर है, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और जिसका कि नाम है श्री राजा राजेश्वरा टेम्पल। ओरिजिनली ये टेम्पल कृष्णा नदी के
किनारे ईरला दिन्ने पे, जो कि महबूब नगर में स्थित था। मित्रों, इस मंदिर को एक्चुअली 1981 में डिसमेंटल कर दिया गया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, क्योंकि उस वक्त श्रीशैलम रिजर्वायर बन रहा था और ये मंदिर उस पर डूब जाता, तो हिस्टोरिकल चीज़ों को बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल टीम ने बोला कि कहते हैं इसको हमें सेव करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर सन 1983 में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और उसके अलावा जो इसका आर्किटेक्चर है उसके बारे में बता दूं, ये 1600 AD के टाइम पे जो मंदिर बिल्ट होते थे विजयनगर स्टाइल में, उस स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो इसके बारे में मेरे पास इतनी ही जानकारी थी तो मैंने वो आपको, और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वही हम आपको फटाफट कुछ मूर्तियाँ दिखा देते हैं। तो ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं इसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही चमकदार हैं आज तक, और अभी भी उसी कंडीशन में है जैसी कंडीशन में शुरू में थी। और यहाँ पर इनको सेव किया गया है और ये मोस्टली 1200 से 1400 AD के बीच की मूर्तियाँ हैं। और इसमें जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, मैं उसी बेस पे आपको बता रहा हूँ कि इसमें जितनी भी मूर्तियाँ हैं इनका जो टाइमिंग है वो 1100 से 1200 AD के टाइम तक है। यहाँ से निकलने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में ये है वॉकवे, जो कि ऊपर जाके हम यहाँ से बैनियन ट्री देख सकते हैं। बैनियन ट्री काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, बोलते हैं कि वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और उसकी शाखाएं टूटने लगी हैं, तो इस वजह से पब्लिक की एंट्री नहीं है। तो आप यहाँ से बैनियन ट्री देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये बैनियन ट्री है। और इसके बारे में आपको बता दूं, इसका नाम पिल्लामरी बैनियन ट्री, जो कि यहाँ 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो कोशिश करता हूँ कि किसी तरह अंदर लेके चलूँ और आपको दिखाता हूँ। वह बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और जल्दी ही आपको हम बैनियन ट्री दिखाते हैं एकदम पास से। तो दोस्तों, ब्रिज से उतरने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रास्ता है जो कि लेके जाता है हमें यहाँ की एक दरगाह पे, जो कि स्थित है जस्ट पेड़ के नीचे। तो चलिए आपको पहले दरगाह दिखाते हैं। तरफ से जा रहे हैं अभी। इधर से जाल नहीं लगाए क्या दोस्तों? अभी जंगल के रास्ते पीछे से जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये रास्ता है खेतों से जा रहे हैं। एक्चुअली जाना अलाउड नहीं है, बट हमने आपको जैसे भी कहा है कि हम कहीं भी जाएंगे आपके लिए और कुछ भी करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपके लिए वीडियो बनाने का। ये बिग बैनियन ट्री का, जहाँ की अलाउड नहीं है जाना। जैसे पानी जाना पड़ता वो पेड़ के अंदर पूरा जी। तो भाईजान हमें लेके जा रहे हैं, क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर भाई हैं, छोटे छोटे रास्ते
जाफर भाई के साथ हम भी जा रहे हैं। जाफर भाई आगे निकल गए हैं। तो जाफर भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं डोंडोनपल्ली। अच्छा, तो जाफर भाई डोंडोनपल्ली रहते हैं। जाफर भाई ने हेल्प किया, अभी हम अंदर आए हैं यहाँ पे। और ये देखिए गिर रहा बोले सर का इन क्या करे बोले तो पूरा ग्लूकोस ऐसा पाइपन दिखे ना जी, ऐसा झाड़ सपोर्ट जी सीमेंट के फ्लेरा डाले पाइपा जी डाले पूरा तो पुराना हो गया। पहले बीमारी थी, ग्लूकोसा भी चढ़ाए थे। अच्छा, हाँ ग्लूकोसा चढ़ाए थे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद लॉकडाउन में बंद कर दिए थे एक दो तीन साल। अभी भी बंद है पूरा जी। आप बोले उसको मैं ये रस्ते लगाया। अच्छा, थैंक यू। वो दर्रा है उधर जी, मैं अभी दरगाह हो के आया आपके पास में इधर। यहाँ तो कोई भी अंदर ऐसा ये पूरा वो झाड़ है पूरा जी पूरे इधर तक। दोस्तों तो ये जो पेड़ है एक्चुअली इन्फेक्शन की वजह से इसकी इसकी डाल टूट रही हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फेक्टेड दिख रही है इसकी डाल पूरी। ये कहाँ है नहीं मालूम अपन जी, इधर है नहीं मालूम अपन। मेन इसका जो तना है वो किसी को भी नहीं मालूम है कहाँ पर है, मगर ये अभी काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 3.5 एकड़ के आसपास का एरिया है। आप यहाँ देख सकते हो, और हम ज़्यादा टाइम तो नहीं रुक सकते यहाँ, बट कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएँ उतना दिखाएँ। अभी ये देखिए आगे ये पूरा झाड़ पूरे कहते हैं इसी के पेड़ का है। और ये देखिए पूरे पड़े पड़े जी है मालूम ऐसी शाखा उतरते हैं पाइपा जी 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 पूरी दिख रहा है पूरा कहाँ है इसका हिम क्रिया वहाँ से हम क्रिया पूरा खेल लेते हैं। ये वर्ल्ड में सेकंड की फर्स्ट है जी, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है। अभी मैं कल गया था एक्चुअली, फर्स्ट वाला कोलकाता में है। हाँ वही फर्स्ट की सेकंड है। एरिया वाइज जो है अनंतपुर जगह पड़ता है एक, इधर ही अपना आंध्रा में, उधर का सेकंड है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो ये काफ़ी ब्रांचेस हैं इसकी, और इधर की साइड भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस दिख रही हैं। और मेन तना यहाँ पर, यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं उनको भी नहीं मालूम है कि इसका मेन तना कहाँ है, पर मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा एरिया है जो कि 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। और जी, और दोस्तों यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, बट हम आप लोगों के लिए सिर्फ अंदर आए हैं और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं एरिया। हम अपने लाइफ को रिस्क में लेके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सामने और इसकी ब्रांचेस हैं। उसके अलावा जैसा कि बताया यहाँ पर पिलर देखिए, इनको बचाया जा रहा है। जैसा कि अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था बैंगलोर का जो बैनियन ट्री था उसको भी ऐसे ही बचाया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टूट रहा है, और टूटने की वजह से इसको कहते हैं इस पिलर की वजह से इसको बचाया जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह से आप देखोगे तो बहुत जगह ये देखिए यहाँ पर भी पिलर दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली टूटता जा रहा है। तो इन पिलरों की मदद से पेड़ टिके हुए हैं और इनको बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह इस तरह के पिलर लगे हुए हैं। हाँ मैं यहाँ हूँ, कहाँ है? पहले तक ये ओपन था एरिया, अभी क्योंकि जो कि पेड़ टूट रहे हैं बार बार, एक्चुअली ब्रेक होता जा रहा है, इस वजह से ये एरिया बंद कर दिया गया है। ऐसा दीवार पूरी तो होगा अपन देख लो पूरा, वो नहीं मानो रास्ता अपन जी 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 यहाँ से पूरी तो फिर इधर आते, उतनी दूर फिरने की जरूरत नहीं अपन पूछते बोले तो नहीं बोलते इसी चीज। भाई जान बता रहे हैं कि दीवार बांधो, ये दीवार बांधेंगे हम और यहाँ से निकलेंगे।
दोस्तों ऐसी जगह आना सही नहीं है, कभी सांप कीड़े मकोड़े बहुत मिलते हैं ऐसी जगह। फिर हम कोशिश करें जी इधर से आओ। तो फ्रेंड्स चढ़ गए हम दीवार पे, अब यहाँ से उतरेंगे। हाँ वो देख सभी तो फाइनली आपने देखा अभी बिग बैनियन ट्री, और होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपने मंदिर देख लिया, आपने कहते हैं बैनियन ट्री देख लिया, अब यहाँ पर एक मिनी जू भी है जिसको डियर पार्क भी बोलते हैं। अब डियर्स पता नहीं कितने दिखेंगे वो तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको मिनी जू ज़रूर दिखाता हूँ अपने साथ, क्योंकि यहाँ का पूरा टूर कराना भी ज़रूरी है। हम वैसे तो आए थे बैनियन ट्री कवर करने, और बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा बहुत बैनियन ट्री कवर किया चोरी छुपे आप लोगों के लिए। तो अभी हम आपको मिनी जू दिखाते हैं। दोस्तों ये है जू का मेन गेट, मिनी जू जिसे कहते हैं पिल्लाला मर्री। तो आइए अंदर चलते हैं आपको लेके। टिकट्स तो हमने ऑलरेडी दे दिए थे, जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया टिकट्स हमें 20 रुपीज़ पर हेड पड़ता है फॉर एडल्ट्स, और कहते वो हम एक ही बार लेना है और हम पूरा यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ये है यहाँ का सेकंड गेट, तो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ग्रीन एक्सट्रीम तो दोस्तों अभी तक आपने देखे थे कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर है एक एक्वेरियम। तो आइए चलिए आपको एक्वेरियम दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा है एक्वेरियम जहाँ की नाना प्रकार की मछलियाँ थी और उसके अलावा टॉर्टोइज भी थे। तो आइए अब आपको थोड़े डियर्स दिखाते हैं। दोस्तों हमने देखा बहुत सी भीड़ लगी है, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पर डॉटेड डियर्स हैं और काफ़ी झुंड में हैं वो भी एक साथ, और ऐसे बहुत बहुत कम टाइम पे ये दिखते हैं साथ में, वरना सब पूरे जंगलों में घूमते रहते हैं, अपने भोजन करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कितने सारे डियर्स हैं, और उसमें कुछ बारहसिंगा भी हैं जिसमें क्या है जिनकी लंबी लंबी सींगे हैं। हमने देखा एक छोटा डियर बहुत ही करीब में हमसे खड़ा है, तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा दें, और ये यहाँ पर घास फूस खा रहा था। और फिर हम यहाँ से चले, और जब हम बाहर निकल रहे थे तो हम बाहर जाते वक्त हमने ये मंदिर की तरफ गए, जो कि एक मंदिर यहाँ पर और बना है। मंदिर यानी कि यहाँ कोई पूजा नहीं होती है, बाहर नंदी विराजमान है, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ एक बड़ा सा बरांडा है जिसमें कि तीन मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। तो हो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए रोज़ लाते रहें और आपको नई नई जगह घुमाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको फिर एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।